चारधाम यात्रा के लिए 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने कराए पंजीकरण। सत्यापन के बाद ही मिलेगा दर्शन करने का टोकन। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बनेगा भक्त निवास। 32 एकड़ जमीन पर होगा निर्माण। काशी विश्वनाथ धाम में पूजा के साथ होगी स्वास्थ्य जांच। शहर में कई जगह लगेंगे हेल्थ ATM। बढ़ते हुए कोरोना मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला। और देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम में भक्तों ने पिछले साल दिल खोलकर दिया दान। बाबा को चढ़ा 18 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा। चारधाम यात्रा को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। चारधाम यात्रा में इस बार दर्शन के लिए टोकन व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। नए अपडेट के मुताबिक श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई करने के बाद ही दर्शन के लिए टोकन दिया जाएगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम जाने वाले श्रद्धालुओं का सत्यापन 4 स्थानों पर किया जाएगा। आपको बता दें कि अब तक चार धाम यात्रा के लिए 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अपना पंजीकरण करा चुके हैं। हालांकि स्थानीय लोगों को पंजीकरण में छूट दी गई है। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचने वाले भक्तों के लिए अब ठहरने की व्यवस्था भी महाकाल मंदिर प्रशासन द्वारा की जाएगी। इसके लिए करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से भक्त निवास बनने जा रहा है। सभी सुविधाओं से युक्त इस भक्त निवास में सभी व्यवस्थाएं शिरडी और तिरुपति में मिलने वाली सुविधाओं की तर्ज पर होगी। ये भक्त निवास करीब 32 एकड़ जमीन पर बनेगा, जिसमें 2200 कमरे होंगे। साथ ही करीब 204 पहिया वाहनों के लिए पार्किंग की भी व्यवस्था होगी। देश भर में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए वाराणसी और काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन अलर्ट हो गया है। काशी विश्वनाथ धाम में अब स्वास्थ्य जांच व्यवस्था भी शुरू की जा रही है। इसके लिए यहां 3 हेल्थ ATM लगाने की तैयारी चल रही है। आने वाले कुछ दिनों में श्रद्धालु अब पूजा पाठ के साथ साथ अपनी स्वास्थ्य जाँच भी करा सकेंगे। लोगों को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये सुविधा मुहैया कराई जाएगी। स्वास्थ्य जाँच कराने वाले व्यक्ति के मोबाइल पर उसकी रिपोर्ट तुरंत भेज दी जाएगी। झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम को पिछले साल जमकर आमदनी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 और 2023 में बाबा बैद्यनाथ मंदिर को 18 करोड़ 90 लाख की आमदनी हुई है, जो बीते 4 वर्षों की तुलना में सबसे ज्यादा है। मंदिर को मिलने वाली आमदनी का आकलन दान पात्र में भक्तों द्वारा दी गई दान राशि, शीघ्र दर्शनम कूपन, ऑनलाइन दान, मंदिरों में बिकने वाले सोने चांदी के सिक्के और विकास पात्र में मिलने वाली दान राशि से किया गया है। मंदिर को सबसे ज्यादा आमदनी शीघ्र दर्शनम कूपन के माध्यम से हुई है। अयोध्या में राम मंदिर का काम तेज गति से चल रहा है। फिलहाल मंदिर की छत की बीम रखने का काम चल रहा है। राम मंदिर में लगने वाली सभी बीम मकराना मार्बल के हैं। वहीं दूसरी ओर मंदिर की चारों दिशाओं के रेडियस में 800 मीटर के परकोटे को भी तैयार किया जा रहा है। भव्य मंदिर में जाने के पहले गोपुरम द्वार बनाया जाएगा। 32 सीढ़ियों को चढ़कर सिंह द्वार से प्रवेश करने के बाद रंग मंडप, नृत्य मंडप और गुड़ी मंडप का निर्माण किया जा रहा है, जिसके बाद मकराना मार्बल से बने 3 द्वार से कोली मंडप में प्रवेश होगा, जहां लगभग 30 फुट की दूरी से श्रद्धालु राम लला के दर्शन कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के सादीवाड़ा गांव में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक अनोखी पहल की गई है, और ये अनोखी पहल है प्लास्टिक के बदले सोना। जी हाँ, यहाँ के लोगों का मानना है कि सरकार तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए तरह तरह की पहल करती है, लेकिन ये जमीनी स्तर पर तभी हो पाएगा जब लोग आगे आएंगे, और इसी लक्ष्य के साथ यहाँ के लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आ रहे हैं और अपने गांव को प्लास्टिक मुक्त करने की मुहिम में जुड़ रहे हैं। हालांकि इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सा लें, इसके लिए यहाँ प्लास्टिक के बदले सोना दिया जाता है।